जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में घुसना तीन युवकों के लिए महंगा पड़ गया। इन तीनों को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। फायरिंग रेंज में रात के वक्त एक जोरदार धमाका हुआ और इन तीनों के शवों के परखच्चे उड़ गए। धमाके के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक ट्रैक्टर के पास इन तीनों के शव शत विशत हालत में बिखरे पड़े थे। मौकाए वारदात पर जो कुछ भी नजर आया उसे देखने के बाद पुलिस को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि इतने बड़े हादसे की वजह क्या है। ये चारा लेके डेलासर साइड से ये जा रहे थे बाप की तरफ, तो इन्होंने चाचा से अंदर का रास्ता लिया फायरिंग रेंज का, और वहाँ से इन्होंने अपने ट्रैक्टर से उतर के जो हालात देखते हुए मौका देखते हुए समझ आ रहा है, इन्होंने जो स्क्रैप इकट्ठे वहाँ पड़े होते हैं फायरिंग के बाद बचा हुआ स्क्रैप, उसको इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें से जो एक है वो ब्लास्ट हो गया और उसके ब्लास्ट होने से तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मोस्ट प्रोबेबली जो पता लग रहा है वो इनके जो आर्मी के टैंक फायर्ड होते हैं उन्हीं में से ही कोई था जो मिस फायर हो गया होगा और ऐसे ही पड़ा होगा, तो वो छेड़छाड़ में ब्लास्ट हो गया। पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी है, ये मरने वाले तीनों लोग पशुओं का चारा लेने के बहाने फील्ड फायरिंग रेंज में घुसते थे और वहाँ पड़ा कबाड़ चुराने का काम करते थे, लेकिन इस बार इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि कबाड़ समझकर जिस चीज को ये उठा रहे हैं वो एक मिस फायर बम है जो कि इनकी जान भी ले सकता है। एक शख्स ने जिंदा बम जैसे ही उठाया उसमें जोरदार धमाका हुआ और फिर चारों ओर मौत का सन्नाटा पसर गया। तीनों मृतकों की पहचान कर ली गई है, पोस्टमार्टम के बाद शव इनके परिजन को दे दिए जाएंगे ताकि ये अंतिम क्रिया कर सके। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।